फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर पीटीआई रहनुमाओं की पेशी पर कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कारकुनान एक दूसरे पर मुक्के बरसाए और खूब दुर्गत बनाई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा ने हमें ज्वाइन किया। यूसुफ, क्या हो रहा है ये? देखें बिल्कुल, ये ऑपोजिशन लीडर उमर यूब जो है वो पेशी पर आए थे और पेशी के बाद जैसे ही बाहर निकले हैं तो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो मुकामी रहनुमा है पीपी 115 के शेख शाहद जावेद, उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए हैं और वहां पर उनके हामी और आपस में कारकुनान जो है गुत्थम गुत्था हो गए और शदीद जो है नारेबाजी भी करते रहे। उमर यूब की गाड़ी को रोक के भी वहां पर एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड कराते रहे, जिसके बाद जो है उनको वहां पर मौजूद लोगों ने वकला ने उनको जो है उनकी सुलह करवाई। इसके बाद उमर यूब का ये कहना था कि आप लोगों की वजह से जो है हम लोग मीडिया को भी अपना पैगाम नहीं दे सके, हम लोग आप लोगों से नाराज हैं। तो नाराजगी का इजहार करते हुए अपोजिशन लीडर जो है वो मौका से रवाना हो गए। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। हो गए कारकुनान एक दूसरे पर मुक्के बरसाए और खूब दुर्गत बनाई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा ने हमें ज्वाइन किया। यूसुफ, क्या हो रहा है ये? देखें बिल्कुल, ये ऑपोजिशन लीडर उमर यूब जो है वो पेशी पर आए थे और पेशी के बाद जैसे ही बाहर निकले हैं तो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो मुकामी रहनुमा है पीपी 115 के शेख शाहद जावेद, उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए हैं और वहां पर उनके हामी और आपस में कारकुनान जो है गुत्थम गुत्था हो गए और शदीद जो है नारेबाजी भी करते रहे। उमर यूब की गाड़ी को रोक के भी वहां पर एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड कराते रहे, जिसके बाद जो है उनको वहां पर मौजूद लोगों ने वकला ने उनको जो है उनकी सुलह करवाई। इसके बाद उमर यूब का ये कहना था कि आप लोगों की वजह से जो है हम लोग मीडिया को भी अपना पैगाम नहीं दे सके, हम लोग आप लोगों से नाराज हैं। तो नाराजगी का इजहार करते हुए अपोजिशन लीडर जो है वो मौका से रवाना हो गए। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया।